तपस्या मोदी जी ने की, उसका फल मिल गया कंगना रनौत को, इसलिए उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बाहर निकल करके आई, उसने बोला कि जी 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 14 में मिली। मोदी जी को बहुत खुशी होगी, क्योंकि मोदी जी ये समझते हैं कि 2014 से पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो लोहिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, गांधी जी हो, वो सब अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। अकेला इंसान मैं ही हूँ। 2014 में ही तो सृष्टि ने एक अकेला आदमी रचा नरेंद्र मोदी को, और थोड़े दिन के बाद मैं मंदिरों में प्रवेश हो जाऊंगा। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितने गए। ये देश जहां था ये देश वहीं है। एक चीज और, ये देश का जो किसान है, ये जब खेत जोतता है, जब अगल बगल में हरी फसल होती है तो बैल कई बार घूम जाते हैं, उनका मन मचल जाता है। ये उनकी भी नत खींच करके बिगड़े बैलों को जो है कंट्रोल में करना जानता है। तो इस देश में देश के लोगों को गुमराह करके जो बिगड़े बैलों की तरह जो इधर उधर घूम रहे थे, अब वापस उनको खूंटे में बांध करके कस करके रखने का समय आ गया है। कह रहे हैं कि कानून तो वापस होगा, कोई औचित्य नहीं बचा आंदोलन करने। नहीं जी, कृषि मंत्री तो ये भी कह रहे थे कि कानून हम वापस लेंगे ही नहीं, फिर क्यों ले लिए? कृषि मंत्री जी ये भी तो कह रहे थे। प्रधान अभी जाओगे नहीं? नहीं, कैसे जाएंगे जी, अभी तो हमें उसका जवाब देना है। आपको वो स्पीच याद है कि नहीं, जब लोकसभा में ही खड़े होकर के मोदी जी ऐसे कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ कुछ समय से हम श्रमजीवी आंदोलनजीवी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, एक जमात पैदा हुई है, ऐसे ऐसे शब्दों का, अभी उसका भी तो जवाब देना है मोदी जी को। सब हिसाब करके जाओ, बिल्कुल एक एक पाई पाई का हिसाब करके। और सुनो, कल उत्तर प्रदेश सरकार का एक ट्वीट आया, एक परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुई, और सुनो, हाँ यूपी टेट का, बच्चे पेपर दे रहे थे, आधा पेपर दे रहे थे और आधा पेपर देते देते लीक हुई। मोदी योगी जी ने ट्वीट किया कि हम इसकी जाँच करवाएंगे, एसटीएफ जाँच करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने का मतलब ऐसा हुआ कि जी पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर आपके पास एक खबर आएगी कि जी पेपर लीक हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी पेपर जो है अब निरस्त हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी जो है अब इसकी एसटीएफ जांच करेगी, फिर कोर्ट जगेगी, उसके बाद में सीबीआई जांच होगी। उत्तर प्रदेश में पेपर देके परीक्षा पाना तो ऐसे हो गया मान लो चक्रव्यूह जैसा भेदना, उससे भी कठिन हो गया। योगी जी ने कहा कि आधार कार्ड दिखाएंगे जो छात्र, उन पर पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री जाएंगे। इस देश के किसानों ने तीन आधार कार्ड बनाए हैं, तीन, पहला योगी जी के लिए, दूसरा मोदी जी के लिए, और तीसरा शाह जी के लिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि मैं आपको आधार कार्ड दे दूंगा थोड़े दिन के बाद, आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक जाओगे तो आपको जो है रोकेगा कोई नहीं, आप उत्तराखंड चले जाना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ लिए, खूब क्लासें भी हो गई, अब आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मोदी और शाह के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, आपके लिए भी दो आधार कार्ड समय आने पर आपको भी देंगे, उन आधार कार्ड को ले लेना, यहाँ से गुजरात तक जाने में आपको कोई नहीं रोकेगा, चुपचाप यहाँ से गुजरात चले जाना। जो इस देश में सरकारों ने 70 सालों में नहीं कर पाया, वो किसान ने 1 साल में करके दिखाया। ये सरकार जो बीमारी लेकर के आई थी, वो बीमारी आज लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया और बची है, मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में वो पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। पहली तो बात, ये जो बिल वापसी हुए, इसमें किसानों का कुछ वो नहीं है। ये सरकार ने जो गलती की थी, जिसकी गलती की वजह से हमारे 750 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर में हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, वहाँ मूली गाजर की तरह जो है पूरी कुचल दिए गए, करनाल में सर फोड़ दिए गए, ये उनकी जो बहुत बड़ी गलती थी, भयंकर ब्लंडर मिस्टेक जो थी, आज उन्होंने उसको सुधारा है। हमारी मांग अभी भी वही है, एमएसपी की गारंटी कानून अभी भी जस की तस है, उस पर अभी तक ना ही प्रधानमंत्री जी ने, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ना ही इनके किसी प्रवक्ता ने कोई भी बयान नहीं दिया है कि जहां इन्होंने कहा हो कि हम लीगल गारंटी कानून बनाएंगे एमएसपी पर। आज जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल को वापस करने की जो प्रस्तावना पेश की गई, उसको देख करके लगता है कि ये जो प्रस्तावना पेश की गई है, ये बिल को वापस लेने की मंशा से नहीं, दोबारा फिर लाने की मंशा से पेश की गई। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, एमएसपी के बारे में कुछ पता नहीं। जो प्रस्तावना आई है, उस प्रस्तावना में उन्होंने जो है एमएसपी की जगह मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मिनिमम सेल प्राइस, देखिए उनकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये भारत सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिसने आज लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्तावना पेश की, उसकी आपको दिखा रहा हूँ। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने कैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चुन लिया, जिसको एग्रीकल्चर का ए, कृषि का का, खेती का खा नहीं मालूम है। अरे एरर हो गया होगा, प्रिंटिंग में दिक्कत होगी। नहीं, प्रिंट भारत सरकार से देखो, सुनो, बिल्कुल सही कहा आपने, उनसे गलती ही तो हुई थी, उनकी गलती की वजह से हमारे 750 शहीद हो गए लखीमपुर में। गलती ही तो हुई थी उसके बेटे से, जिसने सरेआम कुचल दिया लोगों को, गलती ही तो हुई थी उनके अधिकारी से, गलती ही तो हुई थी, उसने सरेआम आदेश दे दिए जाकर के सर फोड़ दो किसानों के, गलती तो ही थी।
अब किसान आपको नहीं लगता 19 तारीख से जब से मोदी जी ने कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, किसानों की भी भाषा बदल रही है? जब से कहाँ बदल रही है किसानों की भाषा? उन्होंने कहा कि इनकी एमएसपी पे गारंटी कानून की मांग थी नहीं। हमारे तो किसान तो छोड़ो, हमारे बैनर पोस्टर इस बात की गवाही देते हैं जो 26 तारीख से पहले दिन से लगे हुए हैं, उस पर देखो बड़ा बड़ा लिखा है, बढ़िया गोरे गोरे और नीले लाल पीले अक्षरों में लिखा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी कानून जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी भी हम कह रहे हैं, आज सदन चल रहा है, अभी तक किसी ने उसमें खड़े होकर यह नहीं बोला कि हम लीगल गारंटी कानून बनाएंगे। कम से कम पहले तो वो आश्वासन दें आज उसमें खड़े होकर के कि हम लीगल गारंटी कानून बनाएंगे एमएसपी पर, उसके बाद में वो कमेटी गठित करें, प्रोक्योरमेंट तो शुरू हो उसका। तो कमेटी गठित कर तो रही नहीं, कमेटी तो ऐसे 2011 से गठित हो रही है। ऐसी कमेटी गठित करने का मतलब तो ये हो गया कि किसान के हर एक मुद्दे को कचरे में डाल देना। तो हमें हर मुद्दे को कचरे में थोड़ी डलवाना है। ये अब पहले जैसा किसान नहीं रह गया है, इसके बच्चे पढ़े लिखे हैं। यहाँ जो किसान खेत जोतता है ना, उसके बच्चे भी उसके साथ बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ को उसको बारीकी से समझाते हैं। यहाँ हर शाम जब सूरज ढलता है तब हर एक टेंट में पंचायतों का उदय होता है, सूर्य उदय होता है, पंचायतें होती हैं, उसके बच्चे उसके साथ बात करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आज खुश नहीं है आप? नहीं, हम खुश तो उस दिन होंगे एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा, 750 किसान जो शहीद हुए उसकी जिम्मेवारी सरकार ले, उस पर संवेदना प्रकट करे और उनको मुआवजा दे। उसकी बाद में लखीमपुर में जो किसान कुचले गए गाड़ी के नीचे, उसके बाप को और उसके बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाए। और ऐसी लखीमपुर वाला मामला केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकार करेगी? अरे तो केंद्र सरकार का ही मंत्री है वो, केंद्र सरकार का ही अजय मिश्रा टेनी जो है वो केंद्र सरकार का ही तो राज्य मिनिस्टर है, राज्य सरकार का राज्य मिनिस्टर नहीं है। अपराधी घोषित नहीं हुआ ना, अभी साबित नहीं हुआ ना अपराधी। 302 का मुकदमा है, क्या बात करते हो? 302 का मुकदमा क्या होता है? हत्या का मुकदमा दर्ज है। और अभी अभी आरोपी साबित नहीं हुआ ना, तो आरोपी कैसे साबित होगा? जैसे मोदी जी बिल लेकर के आए, मतलब किसी पे भी कर दो, मोदी जी ने गलती की, मोदी जी ने गलती की, अपनी गलती को सुधार के अपनी ही पीठ थपथपाई कि देखो मैंने किसानों का भला कर दिया। ठीक वही है जिस जो हत्या का आरोपी है, जिसके बेटे ने हत्या की, नृशंस हत्या की, उसके बेटे को वो बगल में बैठा करके जो है उसको सम्मान देती है, फूल माला पहना करके, और किसानों को चिढ़ाती है कि देखो तुम चाहे जितना भी कर लो, हम समय आने पर फिर से तुमको इसी तरीके से कुचलेंगे। तो किसानों के अलावा जो और लोगों की हत्या है उसका उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, उसकी भी हमने संवेदना, देखो जान तो जान होती है, वो किसी की भी हो, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी सीबीआई जाँच चल रही, और सीबीआई जाँच में धीरे धीरे करके सारे खुलासे होते जा रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हो? बिल्कुल मांगे, जाँच हो रही तो जाँच होने, इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि जो हत्या का आरोपी है उसको आप बगल में बैठाओगे, गृहमंत्री के बगल कुर्सी में बार बार किसानों को खिंचवाओगे, उनको जो है चढ़ाओगे, बिल्कुल कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा। अपनी तरफ आए तो जांच चल रही सीबीआई, और उनकी तरफ आए तो नहीं, उनकी तरफ क्या, हमारा तो शुरू से एक ही स्टैंड, हमारे कोई स्टैंड बदले नहीं है। ये तो मुख्य धारा की जो मीडिया है ये उसकी भाषा है, मैं तो मुख्य धारा की मीडिया से कह रहा हूँ कि आपने देशघात तो भट्ठा बैठाया ही बैठाया है, साथ साथ में आप इस सरकार के भट्ठा बैठाने में सर्वप्रमुख भूमिका आप निभाओगे, मीडिया निभाएगी है, वो लगातार चलाई रही हेडलाइन। आप देखो कल साहब तो शुक्रिया बोल रहे हैं मीडिया, नहीं शुक्रिया बोल रहे हैं उस मीडिया को जिसने बहुत अच्छी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। अरे भाई नोट मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से, भाई जिसकी लाख रुपए तनख्वाह थी उसको 10 लाख रुपए सैलरी दे दी गई, उसका प्रमोशन हो गया, तो क्यों नहीं दिखाएगी वो खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुख्य धारा की जो मीडिया है ये इतनी अंधी हो गई कि अपने बाप अपने दादाओं को जो खेती करते हैं उनको भी ये जो है आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने लग गई। तो सरकार कह रही थी तब मीडिया ने कहा ना, नहीं सरकार के लोगों ने कहा तभी तो कहा ना। हाँ तो फिर बात तो यही हो गई, इसका मतलब दोनों का गठजोड़ है, गठबंधन है, मियां बीवी का रिश्ता है क्या आपस में दोनों का? आपकी बात से तो यही साबित हो रहा है, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी है इंटरनल इसकी। आप तो हिटलर कहते थे मोदी जी को, अब तो उन्होंने माफी मांगी। नहीं हिटलर तो अभी भी हैं, हिटलर अभी भी हैं, और हिटलर का जो हाल आखिरी में हुआ था ना, हाल इनका भी वही होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने किसान को तोहफे दिए कौन कौन से, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी, इस किसान आंदोलन ने भी सरकार को एक तोहफा दिया जो आज कल परसों सदियों तक याद रखा जाएगा। ये सरकार 750 किसानों के हत्यारी सरकार के नाम से जानी जाएगी, ये तोहफा इनके ऊपर लग गया है पूरी तरीके से। और क्या कम माफी मांग ली, माफी ऐसे मांगी जाती है, मतलब वही बात की रस्सी जल गई, मतलब ऐंठ नहीं गई। मैं देश के कुछ किसानों से, और मुझे लगता है कि देश के कुछ किसान मोदी जी ने इसलिए बोला था कि हमारी जो भक्त मंडली है उनके दिल में जो हमारी भगवान वाली छवि है उन पर ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने कुछ किसान का शब्द का यूज किया था। तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हाँ तपस्या कहाँ कर रहे थे।